एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों आज का जो पेपर था, आज के क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था, आज का पेपर देख के दोस्तों जो बच्चे तैयारी कर रहे थे पिछले पैटर्न को देख के, ठीक है, या जिन्होंने भी जो भी कोर्स खरीदे थे आज तक वो सारे प्रश्न सारे कोर्स सब बेकार गए, उनके सारे बेकार गए। क्योंकि आज का जो टेक्निकल था, आज का जो नॉन टेक्निकल का पेपर था दोस्तों, उसने वीडियो का जो पेपर हुआ था आपका 2018 में, जो जो क्वेश्चन पेपर था सेम उसकी ही याद, मुझे लगता है कि सेम वही जो परीक्षा एजेंसियां थी या जो परीक्षा सेट करने वाले थे, मुझे लगता है आज उन्होंने उसी की याद दोस्तों यहां पर दिला दी है, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चनों का लेवल था दोस्तों, वो क्वेश्चनों का लेवल ऐसा था सच में क्वेश्चन पेपर देखने लायक है। और क्वेश्चन जो नॉन टेक्निकल है, जैसा मैं आपको बताया था या जैसे ही मैंने आपसे बात करी थी, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो कंप्यूटर में मैंने आपको बोला था कि जब मैं आपको कंप्यूटर की क्लास दे रहा था उस समय दोस्तों मैं आपको बताता था कि जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो आपको बड़े ही दिमाग से सॉल्व करने हैं। वहीं पर अगर मैं उसकी बात करूँ, करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर में क्या, करंट अफेयर में भी करीबन 7 से 9 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। कोई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे, 1 क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। और इस पेपर से उन सभी बच्चों को सीख लेनी चाहिए जो बच्चे 2018 की अपनी पढ़ाई को टाल रहे हैं ना कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये होगा, जब डेट आएगी हम तब पढ़ लेंगे, धुआं निकल जाएगा अगर इस तरह के पेपर आ गए तो, ठीक है। और जो मैंने एक आपको कट ऑफ बनाई थी, मैंने जो जब भी आपको कट ऑफ बताई थी वो एक टारगेट कट ऑफ बताई थी, ठीक है। टारगेट कट ऑफ का मतलब होता है जिससे कि आप उस कट ऑफ को हिट करने की कोशिश करें। सबसे ज़रूरी बात जो मेरी बच्चों से बात हुई, जो बच्चों ने रिव्यू बताया, ठीक है, उसके अनुसार दोस्तों अब जो है कट ऑफ आपकी बहुत डाउन होने वाली है, आपकी जो कट ऑफ है बहुत डाउन होने वाली है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया। और जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली वाले प्रश्न यहाँ पर आप सभी से पूछे हैं। पहले मैं एक बार आपको ये पेपर दिखा दूँ, जो 2018 वाले बच्चे हैं एक बार मैं उनको ये सारा पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह का पेपर था, क्या लेवल था, जिससे कि दोस्तों उनको भी कुछ पता चल जाए कि बोलते रहते हैं ना कि एग्ज़ाम कब हो रहा है, एग्ज़ाम कब हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, अकल आ जाएगी उनको भी, ठीक है। क्योंकि मैंने आप सभी से कल जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 2016 का एग्ज़ाम तो केवल एक टेलर है, 2016 का एग्ज़ाम तो केवल एक टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बैंकिंग लेवल की रीजनिंग यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। अच्छे जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी थे उनकी हवा टाइट हो गई है। चलिए मैं दिखाता हूँ, मैंने जिससे भी बात करी, जितने भी अभ्यर्थियों से मैंने बात करी, उन सब की घंटी गोल हो गई, पत्ता गोल हो गया, एक से एक जो टॉपर हैं लड़के पढ़ने वाले उन सब की घंटी गोल हो गई दोस्तों इस पेपर को देखकर। अगर आप में से कोई ये पेपर अच्छा करके आया है, अगर उसने 150 में से 100 क्वेश्चन भी सही करे हैं, 100 क्वेश्चन भी सही करे हैं, तो मैं समझता हूँ वो लड़का मेरिट में आएगा 100%। अगर 100 क्वेश्चन भी उसने नॉन टेक्निकल में अगर सही कर दिए तो, ठीक है। मैं पहले एक बार आपके जो कमेंट है एक बार उसका रिव्यू ले लूं, ठीक है। हेलो ब्रदर, हेलो सर, आज का पेपर सेंड कीजिए सर, आज का पेपर सबको सेंड कर दूंगा। आज का पेपर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। उस पर ये सारी चीज़ें मैं आपको भेज दूँगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा इस बात को लेकर। पहले मैं आप सभी के एक बार कमेंट पढ़ना चाहता हूँ। हवा तो नहीं टाइट हुई इतना भी जितना कह रहे हैं, अच्छा तो इसका मतलब आप टॉपर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तभी तो आपकी हवा टाइट नहीं हुई, वरना अच्छे धुरंधरों से आज मेरी बात हुई है। मेरा टोटल मतलब ये है, अब आप इसको चाहे गलत समझ रहे हो मेरी बात को या कैसे भी समझ रहे हैं, ठीक है। साइनिंग स्टार कह रहे हैं कि कंप्यूटर को छोड़ के बाकी कुछ भी
टाइट नहीं, मतलब अच्छा नहीं था, मतलब टाइट नहीं था। ऐसा भी नहीं है दोस्त, हो सकता है आप भाई टॉपर बच्चे हों, लेकिन एक नॉर्मली बच्चे जिस तरह का समय आपको मिला था मात्र 1 महीने का, उस हिसाब से तो दोस्तों क्वेश्चन है आपका, जो क्वेश्चन पेपर है बहुत हार्ड आया है, उस लिहाज से मैं यहाँ पर बात करूँ तो ठीक है। साइनिंग स्टार आदर्श कह रहे हैं ठीक था मतलब सर, हाँ ठीक तो था ही। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया हुआ था ठीक है। और प्रस्तुत अनुच्छेद, तो ये मतलब एक गांधी जी के ऊपर एक वो दिया था, उसमें से आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अरे मैकेनिकल का पेपर डालो भाई, कोई मैकेनिकल का पेपर भी मिल जाएगा, सब चीज़ के पेपर कल तक आपको उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो ट्रेन में हैं, अभी जो बच्चे हैं दोस्तों ट्रेन में हैं, पेपर को देख के आज वैसे ही बहुत सारे बच्चों का मूड ख़राब हो गया है। टेक्निकल सिविल 110 प्लस राइट होगा सर मेरा, बहुत, अगर 110 अगर आप करके आ रहे हैं ना तो समझिए जय बन के लौटेंगे, आप जय बन के लौटेंगे अगर 110 अगर आप सही करके आ रहे हो ठीक है। एक कल कल लास्ट तक पहले सारे बच्चों का रिव्यू ले लिया जाए, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ जो है वो जारी करी जाएगी मेरे द्वारा ठीक है। कट ऑफ मैं आप सभी को बताऊंगा। और बस एक बात मुझे कमेंट करके बताइए कि अटेंडेंस कैसी थी, मतलब अटेंडेंस कैसी थी। मैंने सुना है कि 45 से 48 के बीच, 45% से 48% के बीच ही बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, क्या मेरी बात सही थी एक बार कमेंट करके बताइएगा सर। जो भी बच्चे हैं एक बार पहले मेरी बात का जवाब दीजिएगा ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी भी बहुत अच्छा लेवल था हिंदी का, इससे आप दोस्तों आइडिया लगा सकते हैं कि 2018 वाला जो पेपर है वो किस पैटर्न पर आ सकता है। मेरे रूम में 48 में से 23 प्रेजेंट थे सर, 50 के नीचे, 50 के गरीब इंजीनियर और 50 के नीचे। हाँ तो मैंने आपको, जब मैंने आपकी, मैंने जितनी भी वीडियो आपकी बनाई थी, मैंने सब, जब भी मैंने जो, जब वो टारगेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितने परसेंट अभ्यर्थी पेपर दे सकते हैं, मेरी एक को एक बात यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही हो रही है। बस ज़रूरी थी शुभम सर, सुनने में आया है कि 35% के आसपास हो सकता है 35 भी। टेलीग्राम पर पेपर डाल दीजिएगा सर, हाँ टेलीग्राम पर पेपर डल जाएगा। आप टाइम कम मिला लेकिन सर 120 मिनट में 150 120 बहुत थे, हाँ साइनिंग स्टार जी, क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं है, लेकिन क्वेश्चनों को इतना घुमा फिरा कर पूछा गया है ना ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन 22 नंबर ले लीजिए आप, दिए गए बाई ओर के क्रम को दाई ओर के उनके विलोम विलोम से मिलाना है, तो इसमें ऐसा नहीं है आप मिला नहीं सकते, मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना बहुत घुमाने वाले क्वेश्चन आएंगे। रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, सब रिजल्ट भी आ जाएगा, सब चीज़ आएगा। ये पहले क्वेश्चन पेपर में एक बार दिखा दूँ, जो बच्चे देख आए हैं, जो बच्चे देख आए हैं उनसे मैं नहीं, लेकिन जो 18 वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि इस तरह पर इस प्रकार का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों वो आया था। पहले एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए यार दोस्तों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो मैं एक पोल बनाने जा रहा हूँ अभी, हमारा जो चैनल है उसका कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल बनाने जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभ्यर्थी एग्ज़ाम देकर आए हैं वो इस पोल में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी वोट करें, जिससे कि कल तक आपके कट ऑफ जो है बिल्कुल राइट बनाई जाए। आपकी जो कट ऑफ है, एक रूम में 72 सीटिंग में से 16 अटेंडेंस थी, हो सकता है ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आए थे जैसे बैंकिंग में नहीं आते, या जो वीडियो का पेपर हुआ था उस तरह की रीजनिंग यहाँ पर देखिए ऐसे पूछी गई थी ठीक है। मतलब टाइम टेकन वाले क्वेश्चन थे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया, फिर 25 किलोमीटर चला, है ना। तो क्वेश्चन टाइम टेकन वाले क्वेश्चन थे, है ना। अब देखिए जैसे एक स्वर्ण पदक 5 अंकों का, जबकि रजत और कांस्य पदक 3-2 अंक का है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इन्होंने बहुत ज़्यादा समय लिया है। दिए गए कथनों का उपयोग कर, मैंने तो जितने भी बच्चों से बात हुई करीबन 30-40 बच्चों से मेरी बात हो गई है,
जो उनका रेस्पॉन्स मिला है उनका यही कहना है कि सर पेपर मॉडरेट है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि वो पेपर आसान हो जाता है। देख लीजिए कितने मतलब क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर आप 58 देख लीजिए, ये रीजनिंग का हाल है, ठीक है। मतलब पेपर बिल्कुल ही उलट आया है, जैसे और साल पेपर आता था, पेपर का लेवल आता था, उस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो नहीं आए, उस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपके नहीं आए, ठीक है भाई। 2018 वाले भी जनवरी के लिए तैयार रहें, जनवरी के लिए 2018 वाले अभ्यर्थी तैयार रहें, ठीक है। मैं पूरा पेपर यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से सिविल की कट ऑफ बताओ भाई, सबकी कट ऑफ बताएंगे, सिविल की नहीं सबकी कट ऑफ बताएंगे, जितने भी अभ्यर्थी पेपर देने गए थे। पहले देखिए कट ऑफ हवाबाजी में नहीं बताए जाते हैं कि मैं इतना बता दूँ या इतना सही है, आप निराश होकर जाएं, है ना। पहले आप घर पहुँचो आराम से, ठीक है, रिलैक्स हो, उसके बाद कट ऑफ भी बताएंगे। रतन सिंह कह रहे हैं कि रीजनिंग और कंप्यूटर टफ थी, हाँ रीजनिंग और कंप्यूटर, कंप्यूटर सारा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कंप्यूटर था। प्रैक्टिकली का मतलब होता है यदि आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, वो वाला था। टेलीग्राम पर कब डाल देंगे, अभी डाल देंगे थोड़ी देर में, ठीक है, जैसे ही मेरे पास पेपर आ जाएंगे सर। एग्ज़ाम 15 जनवरी के बाद, हाँ 15 जनवरी के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं किस प्रकार के, रीजनिंग ने तो कतई बिल्कुल टाइम खा लिया होगा भाई साहब, जिसने रीजनिंग स्टार्ट करनी शुरू करी होगी ना, उस सिलेबस क्या रहेगा 2018 का। कुमार पंकज, अरे पंकज कुमार जी 2018 का सिलेबस अलग है, 2018 का सिलेबस अलग है, उसमें टेक्निकल 600 नंबर का है, नॉन टेक्निकल 400 नंबर का है सिलेबस। आप वेबसाइट जो है उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए रीजनिंग इस प्रकार थी, इनमें से कौन सा विकल्प थी इनसे अलग है ना। देखिए ये टाइम टेकन वाले क्वेश्चन थे, रीजनिंग ने और कंप्यूटर ने तो पूरा ही भाई साहब पूरा ही टाइम लिया होगा, पूरा ही निष्कर्ष। देख रहे हैं आप किस प्रकार की रीजनिंग है, ये रीजनिंग आसान नहीं होती, आपने अगर अच्छी कोचिंग कर रखी है रीजनिंग की तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब देखिए करंट का क्वेश्चन आया था 86 जनवरी 2021 में, भारत सरकार के प्रति आपातकालीन उपयोग के लिए देश में निर्मित किए जा रहे 2 कोरोना वायरस टीकों को मंजूरी दी गई थी, ठीक है। भारत में 18 वर्ष और उसमें तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ना, ये भारत निम्नलिखित में कौन सी इंसुलिन धातु इंसुलिन पाई जाती है, ये आपको बताना था। निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है, ये तो साइंस के क्वेश्चन है। गोदावरी नदी किस नदी भी है, इस प्रकार के क्वेश्चन तो हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इससे जो मिसाइल वगैरह है इसके परीक्षण से रिलेटेड कई सारे प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। निम्नलिखित में कौन सी भी मिसाइल है जिसने भारत में जिसे भारत में विकसित किया गया, आकाश है, पृथ्वी है, त्रिशूल है, अग्नि है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से ऐप स्टोर की पहचान करे जो निम्न डोमेन और सर्वक्षण लाइव पर होस्ट करता हो, भारतीय ऐप स्टोर, माई गवर्नमेंट मोबाइल, इंडिया ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मिले नहीं होंगे, आपको आपने अधिकतर जो बुक पढ़ी होंगी, मुझे नहीं लगता ये प्रश्न बुकों से बनाए गए हैं, क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन पेपर बनाया है भाई साहब, मैं सारे जैसे ही मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम देने नहीं गया था भाई साहब, ये सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं ये बच्चों के द्वारा ही भेजे जा रहे हैं, जैसे जैसे वो अपने घर पहुंच जाएंगे कल तक सारे क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए बच्चे कह रहे थे कि 2018 का भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ये वहाँ से पूछा गया है कि 2018 में भारत के किस सशस्त्र बल के ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इंद्रधनुष के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैड बॉच नामक एक अभिनव मोबाइल स्वास्थ्य ऐप लॉन्च किया था, तो भारतीय थल सेना ने, सीमा सुरक्षा बल ने, ठीक है, ये ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रश्न पूछा गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवाद वाले को तो आप सभी जानते होंगे। मोनूपाल जी एक दो क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं होता कि सारे क्वेश्चन ही पुराने थे, मैं अभी भी इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे दिखा सकता हूँ। देखिए आप 2017 वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना,
2017 वाले का मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन 2017, जो चीज़ें पहले से ही हुई हैं और वो दोबारा कभी नहीं होती, तो इसलिए उसको उसको वही नाम दिया जाता है, उसको वही नाम दिया जाता है। 2017 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन सर्पिल आकाशगंगा स्पाइरल गैलेक्सी की खोज की है, जो बिग बैंग। इस आकाशगंगा को किस नाम से जाना जाता है? ये वाकई में क्वेश्चन बहुत हार्ड है, जो 97 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन इस बच्चे कोई बच्चा इसको टच कर पाया हो। करंट का क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित विश्व बैंक आयोग की 103वीं विकास समिति, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, ठीक है, ये सारी चीज़ें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैं अभी आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8958984067। अगर किसी जो भी बच्चे पेपर दे के आए हैं, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर, जो मैं व्हाट्सएप नंबर आप सभी को बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8958984067 पर दोस्तों अपना जो कोई सिविल का है तो अपना सिविल का पेपर मुझे सेंड कर दो, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल का, जिससे कि दोस्तों मैं आप सब तक ये जो पेपर क्वेश्चन पेपर है मैं अधिक से अधिक बच्चों तक दोस्तों ये प्रश्न आप तक पहुंचा सकूं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 102 आया था, मोनू जी मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8958984067। अब जैसे क्वेश्चन आया था पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष, तो ये तो सबको याद है 1526 में हुई थी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर आसान था। या जैसे क्वेश्चन ये आया था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के निम्नलिखित में किस राजा से हुआ था, ठीक है। संजय जी कट ऑफ के बारे में भी सारा जिक्र करेंगे, ठीक है, कब सारी कट ऑफ के बारे में भी डिटेल करेंगे। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैं हवाबाजी में कोई भी कट ऑफ आपको नहीं बताऊँगा जब तक बच्चों का रेस्पॉन्स नहीं आएगा, चाहे कल तक आपको बिल्कुल सटीक वाली कट ऑफ है वो इस चैनल पर बताई जाएगी, बिल्कुल सटीक जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपको इस चैनल पर बताई जाएगी। संजय सिंह कह रहे हैं 500 प्लस ही दोनों मिलाकर जा सकती है, भाई साहब 500 प्लस भी जा सकती है, आप भी गलत नहीं हो यार, पेपर ही बहुत हार्ड है। करंट अफेयर बताओ, करंट अफेयर भी आसान नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक कंप्यूटर में सीआरटी मॉनिटर होते थे, सीआरटी का क्या मतलब होता है? तो कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, तो इसका तो पहला वाला ए ही सही था। गौरव सिंह गुड इवनिंग गौरव जी, कैसे हैं? मोनूपाल कह रहे हैं टेक्निकल में 110 किए हैं, टेक्निकल में 110 किए हैं, किए होंगे मोनू जी आपने। एक बार यार 48 बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक बार शेयर कर दो और थम्सअप करो यार, थम्सअप करो। सभी बच्चे जो भी जूनियर इंजीनियर की तैयारी करते हैं दोस्तों, वो UP SSC JEE के 2018 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए गजेंद्र एजुकेशन जो पॉइंट हमारा चैनल है इसको एकदम सब्सक्राइब करें सभी लोग, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। रोहन सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजय सिंह कह रहे हैं टेक्निकल सिविल की कन्वेंस किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट होते हैं? देखिए बहुत कंप्यूटर्स को कह सकते हैं बहुत हैवी वाला था। निम्नलिखित में कौन सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? ठीक है, तो लिंकडन है, इंस्टाग्राम है या पिंट्रेस्ट है, तो ये बताना था, एक और दो, एक और तीन, तो आप सभी जानते हैं कि पिंट्रेस्ट, जो पिंट्रेस्ट है ये थोड़ी ना ईमेल हेडर में निम्नलिखित कौन सा फील्ड शामिल होता है, तो इसमें टू भी होता है, CC भी होता है, BC भी होता है, लेकिन सेव नहीं होता है, ठीक है। किस प्रकार का डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे में स्थानांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम स्टोरेज बोलते हैं या कीबोर्ड बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं? निम्नलिखित में कौन सी एक बाइनरी
मोनू जी कॉल मत कीजिएगा प्लीज़ लाइव में। बाइनरी संख्या का उदाहरण पूछा था तो जो आसान था सी नंबर वाला कंप्यूटर। 126वां क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था ये। SSD का क्या मतलब होता है? सॉलिड सेट ड्राइव, स्मॉल स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टैटिक स्टेट ड्राइव, है ना। ईमेल के लिए निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? टेलनेट और SMTP, SMTP और पॉप। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि मेरे भाई लोग जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं अभी तो वो अपने घर भी नहीं पहुँचे हैं। आप में से आधे से ज़्यादा लोग तो अभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं बेचारे। उनका मूड तो वैसे ही ख़राब है आज एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम। लेकिन हाँ, उन बच्चों के तोते उड़ गए होंगे दोस्तों जो बिल्कुल ही केवल ये सोच के गए थे कि चलो एग्ज़ाम दिया है, या जो कहीं और जॉब करते हैं उन्होंने अगर थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा होगा तो सच में दिमाग उनका बिल्कुल घूम गया होगा देखते ही। उनका दिमाग तो बिल्कुल घूम गया होगा कि क्वेश्चन पेपर का जो लेवल है उस हिसाब से बहुत ही उनके लिए बहुत कठिन पेपर था। मतलब उनको तो पता ही नहीं लगा होगा कि क्वेश्चन पेपर पूछा कहाँ से गया है ना। आपने भी कंप्यूटर की बहुत सारी किताब पढ़ी होंगी, लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है, देखिए ये जब जीमेल में कितना फ्री स्टोरेज प्रदान करता है तो आपने देखा होगा जब हम जीमेल खोलते हैं तो उसमें ये नीचे लिखा हुआ होता है, लेकिन हम लोग या हमारी कभी ध्यान नहीं रहता ये सब बातें, क्योंकि हमें थोड़ी पता रहता है कि कल को ये एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे देखे हुए तो होते हैं लेकिन कभी कभी एग्ज़ामों में आ जाते हैं। डेड लॉक क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपनियां हैं जो पेपर सेट कर रही हैं ये अलग अलग हैं। शैलेंद्र सिंह कह रहे हैं सर मेरा पेपर आज पेपर था। शैलेंद्र जी कैसा है आपका पेपर? प्रशांत कुमार, शैलेंद्र जी कैसा गया आपका एग्ज़ाम? 15 GB बहुत हार्ड था हाँ। कितनी तैयारी की थी शैलेंद्र जी आपने? सर नॉन टेक प्लीज एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन। भैया सब एक्सप्लेन हो जाएगा, आप चिंता ना करो, बिल्कुल एक एक प्रश्न आप मिला लेना। बहुत हार्ड था। इंजीनियर विवेक मिश्रा सर PDF डाल दीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। पहले आप सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, और PDF मिल जाएगी आपको गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो टेलीग्राम चैनल है। सर हम तो 2018 का देंगे। प्रशांत कुमार कह रहे हैं 2018 का देंगे। विवेक मिश्रा जी कट ऑफ भी बता देंगे। पहले कट ऑफ के लिए मैं एक अभी कट ऑफ जारी करने वाला हूँ। कट ऑफ के लिए पहले वो जारी करने वाला हूँ मैं आपको, उसमें भाग लेना। आपको एक पोल जारी करने वाला हूँ, पहले उसमें भाग लेना। सर मैं थोड़ा सा डर सा देर से आया हूँ, आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आया, सॉरी सर। प्लीज़ बताइए नॉन टेक्निकल का लेवल क्या था? भाई साहब नॉन टेक्निकल का जो लेवल था वो बहुत ही हार्ड था। आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर क्वेश्चन पे ये देख पा रहे हो तो नॉन टेक्निकल ने आज बहुत परेशान कर दिया बच्चों को। तब सर इससे आंसर बताइए प्लीज़। सर मेरी तैयारी ठीक थी पर सर पेपर ने तोते उड़ा दिए। अरे भाई साहब आपके नहीं, बहुत बच्चों के तोड़ गए। सर टेक और नॉन टेक्निकल का आंसर, तपस कुमार जी आंसर मुझे भी नहीं पता। आंसर तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं जेई की तैयारी थोड़ी करता हूँ। जियो टेक्निकल जी, टेक्निकल का लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत हार्ड है। जिसको कह सकते हैं ना आप इजी, मॉडरेट और हार्ड। तो नॉन टेक जो आपकी हार्ड थी, नॉन टेक आपकी कैसी थी? हार्ड थी। ठीक है, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख तो रहे हैं, मैं इसलिए स्लो स्लो क्वेश्चन चला रहा हूँ जिससे कि जो 2018 वाले बच्चे हैं वो भी एक बार देख ले मैं, क्योंकि उनको भी ये लगा रहता ना कि बस एग्ज़ाम हो जाए। एक बार सभी बच्चे यार वीडियो को शेयर कर दो यार, कम से कम 60 बच्चे तो जोड़ दो यार। हम कभी आपसे कुछ नहीं मांगते, ठीक है, कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा आपका साथ दिया।
आपको बहुत सारे बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मोटिवेशन की, हमेशा आपका साथ दिया दोस्तों। सर नॉन टेक्निकल का लेवल मॉडरेट था या हार्ड? भैया वो हार्ड था, हार्ड मॉडरेट नहीं, हार्ड है। रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा का मतलब है मेरा टाइम लेने वाली। देखिए रीजनिंग आसान ही होती है हर किसी के लिए, क्योंकि रीजनिंग में अगर आपको टाइम मिले तो कोई भी बंदा रीजनिंग को बना लेता है। समझ पा रहे हो ना? इससे हम सब लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बैंक वाली रीजनिंग थी इसमें। हाँ मुकुल जी सही बात कह रहे हैं आप, बैंक वाली रीजनिंग थी, बिल्कुल मुकुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा यार मैंने आप सभी के लिए जो भी आपने कहा मैंने किया, पर आपको भी थोड़ा सा यार हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे साथ भी और बच्चे जुड़ने चाहिए। आपके परिवार में जितने भी मोबाइल हैं दोस्तों, आप एक बार सब्सक्राइब करवा दो यार चैनल, एक बार सभी बच्चे हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करा दो। आपके घर में जितने भी, अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं बच्चे, दे आप सभी व्हाट्सअप दिखाई भी दे रहा होगा आप सभी को स्क्रीन पर, वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आप सभी को जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सारे शेयर कर दूंगा, उसमें सारे शेयर कर दूंगा। कब तक हो सकता है 2018 का? प्रशांत जी ये बार बार आप रिपीट मत करवाइए, जनवरी के लिए आप तैयार रहें, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। सभी बच्चे अच्छे तैयारी थी, वो 250 नंबर ला पाएगा मुश्किल से। शैलेंद्र जी सही कह रहे हैं, 250 नंबर लाना तो बहुत बड़ी बात है भाई साहब, फर्स्ट पेपर में 250 नंबर लाना बहुत बड़ी बात है, जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर था। सर दो यूट्यूब अकाउंट से सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी, और आप हमारे अच्छे मित्र भी हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता भी हूँ क्योंकि काफ़ी समय से आप मुझसे जुड़े हुए भी हैं। सर एकदम करवा देंगे आप, सही सर, बट मेहनत करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर सॉल्व करवाते हैं सर। थैंक सर, आप टेक्निकल का लेवल बता दो प्लीज़। टेक्निकल का पेपर भी मैं अभी मेरे पास पहुंच रहे हैं, मतलब बच्चे भेज रहे हैं पेपर, जैसे मेरे पास आ जाएगा। लॉर्ड बुद्धा फर्स्ट पेपर 269 मार्क्स, भाई साहब 269 मार्क कौन ला रहा है ये 269 मार्क्स तो बहुत मार्क्स आ जाएंगे, अगर 269 मार्क्स आ रहे हैं ना तो बहुत बड़ी बात है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता। अगर 269 मार्क्स आपके काटने के बाद आ रहे हैं, अगर ये आपके काटने के बाद आ रहे हैं तो 269 मार्क्स बहुत मार्क्स होते हैं। सर स्टैटिक जीके अब ज़्यादा पढ़नी है? नहीं प्लीज़ सर, भैया स्टैटिक जीके और करंट अफेयर अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि करंट अफेयर और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रीजनिंग, जिस प्रकार की रीजनिंग आपके वीडियो के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, सेम वही रीजनिंग यहाँ पर पूछी गई है, सेम वही रीजनिंग आपकी यहाँ पर पूछी गई है। तो रीजनिंग का लेवल तो बहुत ही हार्ड था, इतना आसान नहीं था, आप देख तो रहे हैं। सर प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर दे देना, मैंने फ़ोन लगाई उठाया पड़ता डाउनलोडिंग का। सर आप बताइए क्या करें, बहुत डर लग रहा है 2018 वाले पेपर में। मैं राज बहादुर मैकेनिकल से हूँ, 200। अच्छा राज बहादुर हैं आप, मेरे 245 मार्क बन रहे हैं निगेटिव निकाल कर अप्रोक्स। तो यार आप ही हार्ड बता रहे हो और आप ही कह रहे हो 245 बन रहे हैं। रीजनिंग तो सिंपल थी, बैंक पीओ के लिए रीजनिंग सिंपल थी हाँ, लेकिन स्टूडेंट तो बैंक पीओ के होने चाहिए थे ना, कि ये टेक्निकल बच्चे हैं, टेक्निकल बच्चों के लिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर थोड़ी बनाया जाता है। आपने बहुत एग्ज़ाम देखे होंगे, आपने एसएससी जेई का भी एग्ज़ाम देखा होगा, उसमें कभी भी नॉन टेक्निकल पेपर हार्ड नहीं आता, जो भी पेपर हार्ड आता है वो टेक्निकल ही आता है। मुकुल कम्बोज जी मुस्कुरा रहे हो बहुत, उन लोगों से पूछो जो एग्ज़ाम देने गए थे बेचारे, आज उन्होंने फ़ोन भी बंद कर रखा है। मैंने बहुत बच्चों को फ़ोन भी लगाया तो उन्होंने फ़ोन बंद कर रखा है, क्योंकि पेपर उनका इजी नहीं गया। एक लोग बोल रहे थे मेरा 350 बने, कुछ भी बोल दो, इतना हार्ड पेपर है कुछ भी बोल दे रहे हैं। अरे बोलने का क्या होता है, बोलने को तो मैं आपसे बोल दूँ कि इतने बन सकते हैं इतने बोल रहे हैं, बोलने का क्या है, देख लेना 32 सिट्टी को हो जाएगी, जैसी आंसर की आएगी ना इसकी कल परसों तक,
सिट्टी गुल ना होगी तो मेरा नाम बदल लेते हैं। बेरोजगार रेलवे बेवफा 370 1,000 में सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा भैया जी, 370 1,000 में से बिल्कुल भी नहीं होगा सिलेक्शन। गलत बात कर रहे हो यार आप। फिर ये रेलवे बेवफा नहीं, यूपी ट्रिपल एससी भी बेवफा हो जाएगी। 220 गुड स्कोर, 250 वेरी एक्सट्रीमली केस। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल, की बात मुझे सही लग रही है। सर रीजनिंग टाइम टेकिंग था। हाँ रोहन जी, रोहन जी रीजनिंग टाइम टेकिंग थी। और बताइए दोस्तों आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? यार एक बार लाइक तो कर दो, सभी बच्चे एक बार लाइक कर दो यार। 41 बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक कर दो यार, सभी बच्चे लाइक कर दो। देखता हूँ आज हमारी मेहनत को कितने लोग सफल बनाते हैं। गुड नाइट। आज सागर अच्छा था, एग्ज़ाम अच्छा था। हमारी मेहनत को यार सफल बना दो। आज मैं भी देखता हूँ कि कितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं। थैंक यू रोहन जी, थैंक यू। देखिए यार आप जैसे लोग, आप लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो हमारा भी, हमें भी मोटिवेशन मिलता है यार। आप लोगों के लिए कुछ नया करने का विचार आता है हमारे लिए भी। सर मैकेनिकल का पेपर एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। हाँ प्रशांत कुमार जी, एनालिसिस सिविल का भी करेंगे, मैकेनिकल का भी करेंगे, और जिससे कि 2018 के जो बच्चे हैं उनको, क्योंकि 2000 पेपर यही कंपनी करवाएगी, पेपर यही कर। कपिल कुमार जी लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। पेपर 100% यही कंपनी कराएगी और यही सेट करेंगे, क्योंकि अगला पेपर यूपी ट्रिपल एससी जेई 2018 का है। जियो टेक्निकल जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों मैं भी चलता हूँ, अब आप आराम कीजिए, बाकी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? कोई भी बच्चा परेशान मत होइए, ये एक टेलर था, एक टेलर समझ के आप इस एग्ज़ाम को। अरे नहीं भाई साहब, बेरोजगार रहे भाई साहब, हार नहीं माननी आपको। ये कौन है यार बेचारा, इतना इतना मन थोड़ा क्यों कर रहे हो अभी? एक बार कमेंट करो यार द्वारा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा आप इस तरह से बोल रहे हैं कि मैंने हार मान ली। आपने ऐसे कैसे हार मान ली यार दोस्त? अभी कोई ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? नहीं यार ऐसा, ऐसी बात नहीं बोलते। मैं समझता हूँ कि पेपर हार्ड था, लेकिन इस तरह से अगर आप हार मानोगे तो आपका क्या होगा यार? आपको हार नहीं माननी चाहिए यार, क्योंकि ये मैंने मैंने जब आप कल आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे, मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये केवल आपका क्या टेलर है सर, क्या टेक्निकल में एसएससी की तरह ही दिया? टेक्निकल में देखते हैं, अभी मैंने टेक्निकल का पेपर नहीं देखा है। ठीक है चलिए दोस्तों, आप परेशान मत होइए, क्योंकि ज़्यादा आप भी परेशान होंगे इस तरह की बातें जब चलती हैं तो। और आप भी थके हुए हैं, आप अपने घर पहुंचिए, पहले रिलैक्स हो जाइएगा, माइंड बिल्कुल भी माइंड सर मत लीजिए दोस्तों, ठीक है? सलेक्शन होना ना होना ये इस के हाथ में है, उस प्रभु के हाथ में है, लेकिन लेकिन आप अपना जो मोटिवेशन है उसको बना कर रखो, क्योंकि जंग अभी जारी है, जंग अभी जारी है, और एग्ज़ाम 2018 की तैयारी है। ओके दोस्तों, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जाना, सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। गुड नाइट आप सभी को, आप सभी इस लाइव चर्चा में जुड़े उसके लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट।